नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM विशेष मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और यहाँ पर एंसेंट विजडम सिविलाइजेशन पे बातें हो रही है। एक सुंदर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी इसी बीच मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा दिनेश शर्मा जी से। दिनेश शर्मा बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं और अपनी सेवा एजुकेशन फील्ड में दे रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। तो आप सभी की तरफ से दिनेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनों नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। बेसिकली प्रोफेसर तो मैं जंतु विज्ञान का हूँ, जूलॉजी का हूँ, लेकिन मेरा जो काम है रिसर्च का या पोस्ट डॉक का, वो सारा का सारा काम मेरा म्यूजिक थेरेपी पर या बायोम्यूजिकोलॉजी से करते हैं, संगीत शिक्षा पर है। अच्छा। हाँ, संगीत शिक्षा ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है, वो बहुत समय से चली आ रही है, हो रही है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट है, मैं काम कर रहा हूँ, वो दूसरी संगीत शिक्षा से कैसे डिफरेंट है, हम मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। संगीत शिक्षा या म्यूजिक थेरेपी आजकल बड़ी कॉमन है, लेकिन बायो म्यूजिकोलॉजी के सेंस में उसको नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान या हमारा देश संगीत शिक्षा से पीछे है। बहुत दिनों से हम इस पर काम कर रहे हैं, चाहे हरदास जी ले लीजिए आप या हमारा शामवेद ले लीजिए, सभी जगह म्यूजिक शिक्षा में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन समस्या क्या खड़ी हो रही है कि जब हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते या डिनाई करते हैं कि हम कैसे लें। जैसे पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल जब लेते हैं आप तो बुखार उतर जाता है, तो हम कैसे किसी गाने को सुने हमारी समस्या दूर हो जाए। तो इसके दो समझने के दो तरीके हैं। चूँकि हिंदुस्तान में अभी भी म्यूजिक थेरेपी को एक लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ है जैसा कि अन्य देशों में मिला हुआ है, इसी को देखते हुए मैंने 2010 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी की स्थापना की थी। लगभग 10 साल हो गए, जिसके लिए हम ये म्यूजिक थेरेपी के साइंटिफिक पार्ट को एक्सपेक्ट करते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे सिद्ध करें। अब एक उदाहरण देकर समझाते हैं हम आपको कि जैसे कई बार होता है, कई गाने सुनते हैं हम, हेयर गूज, हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, या हमें बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा कूल एंड काम लगता है, सुखी, लेकिन लगता क्यों है? जितने संगीत शिक्षा वाले लोग हैं वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि ये लग क्यों रहा है भाई। अगर आप शांत हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको फील लग रहा है, तो शांत हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है ये, लेकिन इस प्रोसेस पे ध्यान नहीं जाता। हमारे यहाँ इस प्रोसेस को ध्यान देने की कोशिश की जाती है, तो विज्ञान क्या है, विज्ञान हर चीज़ का प्रश्न उठाता है और ये कहता है ऐसा है तो क्यों है। तो इसके लिए हमने हमने क्या किया है, अपने हमारे जो स्टूडेंट्स के देते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस है, मेरे द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसे कहते हैं DCS थ्योरी ऑफ न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी स्टिमुलेशन, यानी संगीत हमारे दिमाग पर कैसे प्रभाव पड़ता है और किसी विशेष प्रकार का संगीत सुनने से हम किसी विशेष प्रकार की बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी जो संस्था है उसका उद्देश्य है। यानी आज से 10 साल 20 साल में कभी ना कभी हम इसका सिद्धकार करूँगे, जैसे पैरासीटामोल देने पर बुखार उतर जाता है, वैसे एक पर्टिकुलर विशेष प्रकार के संगीत सुनने से आपको आराम मिलेगा उस खास प्रकार की बीमारी में। संगीत चिकित्सा में एक और है कि संगीत को हम सिर्फ संगीत तक सीमित रखते हैं, जबकि संगीत हमारे चारों तरफ है। संगीत झरने की आवाज़ में है, संगीत चिड़ियों के चहचहाने में है, हर तरफ संगीत है। उस संगीत, हर संगीत हमें एक अलग इफेक्ट दे सकता है, उसके अलग अलग फ़ायदे हैं, तो उसका एक वैज्ञानिक तरीका है। अब दिक्कत एक और आ रही है, जैसे एक राग भैरवी आप लीजिए, राग भैरवी कुछ बड़े लोगों को सुनाइए, नो डाउट एक हाइपरटेंशन या कार्डियक पेशेंट को बड़ा अच्छा सा आराम देता है, लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है, वहीं कुछ लोगों को ये उल्टा इरीटेट भी कर देता है। तो इसको कैसे, राग भैरवी को हमने क्या तरीका अपनाया, हमने राग भैरवी को इरीटेशन के लिए, चूँकि ह्यूमन में क्या है, जब हमने एनिमल पे काम, मैंने चूहों पे भी काफ़ी काम किया है संगीत चिकित्सा पे, मेरा 2008 का पहला प्रोजेक्ट चूहों पर ही था कि हम साउंड देकर चूहों को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे कैसे उनके बिहेवियर, कैसे बायोकेमिस्ट्री कंट्रोल करें, उसका ह्यूमन पे हम शिफ्ट हुए। तो थोड़ा सा कि हमारे अंदर क्या है, एक प्रोसेस हो जाता है ह्यूमन की, एक पसंद आ जाती है। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया। अब हम एक एनालिसिस क्वेश्चनार के बेस पे करते हैं, उसके आधार पे देखते हैं आपको पसंद क्या है। अब मैं राग भैरवी, मुझे पता है इस आदमी को दूंगा तो इरिटेशन हो जाएगा इसको, जबकि उसकी पिच, टोन, साउंड, राग क्यों दिए जाते हैं, उनकी एक संगीत की जो फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी होती है। तो अगर मैं उसकी जगह उस पर बेस्ड उसकी पसंद की गज़ल गाने उनको अगर दे दूंगा, तो वही चीज़ जो उसको इरिटेट कर रही है उस चीज़ को बहुत अच्छा बेनिफिट आस्पेक्ट देती है। हमने इस पर बहुत काम किया, अभी हमने प्रेग्नेंट वूमेन पर काम किया, तो उनके अल्ट्रासाउंड चेक किए थे कैसे फीटस मूवमेंट देता है, तो सारा काम किया है।
डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से बातें हो रही हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये म्यूज़िक थेरेपी के बारे में बातें कर रहे थे और म्यूज़िक जो है हमारे जीवन में, संगीत जो है हमें स्वस्थ प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है, लेकिन इसको आज तक 10 साल का एक मेहनत जारी है, लेकिन फिर भी मेडिकल टर्म्स में इसको जो है मान्यता नहीं प्राप्त है। तो इस वजह से काफ़ी काम चल रहे हैं, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर उनसे बातें करेंगे। मैं चाहूँगा कि संगीत से जुड़े तो एक आध कोई संगीत वाला गीत जो आपके दिल के करीब अभी है और अभी याद आ रहा है, थोड़ा सा गुनगुनाइए। देखिए, गीत तो बहुत करीब हैं, जैसे अगर आप एक लता मंगेशकर का बड़ा पुराना गाना है और ये कहा जाता है कि नेहरू जी के समय जब हमारे पास, जैसा मैंने सुना है, जब चाइना वॉर चल रही थी तो हमारे पास सैनिकों की कमी थी, तो लता ने गाना गाया था ए मेरे वतन के लोगों। उस गाने को अगर आज भी सुनिए आप, तो आपको लगता है कि हाँ, शरीर में कुछ फील हो रहा है। और मेरा काम या मेरे जो स्टूडेंट मेरे PhD उनका एक काम यही है कि वो जो फील हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि साइंस क्या कहती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात यूँ नहीं हो रही, मेरे अंदर पूरी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर एक पूरी प्रोसेस चलती है जिसके आउटपुट में ये आता है। अब जैसे अगर मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो अगर मैं कहूँ तो दिमाग में एक हार्मोन निकलता है, हम एंड्रोफिन कहते हैं। जब भी आपको कुछ अच्छा लगेगा तो एंड्रोफिन निकलेगा, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। और ये एक काम और करता है कि अगर किसी व्यक्ति के विशेष में आप इस हार्मोन को कैसे भी स्टिमुलेट कर दीजिए, तो आसपास आग भी लग जाए, आदमी बड़ा कूल एंड काम रहेगा। ये स्थिति है इस हार्मोन की, ओवर स्टिमुलेशन जिसे कहते हैं ना, क्या हाँ। तो इसी ढंग से साउंड क्या कर रही है, कुछ खास संगीत हैं तो वो उस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम चीज़ चेक कर रहे हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री हमने चेक की है, ब्लड लेते हैं हम, उनमें एनालिसिस किए हैं, है ना। और भी देशभक्ति गाने ले लिए, डिफरेंट प्रकार के गाने हैं। और मैं एक बड़ा अच्छा संगीतज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अच्छा वैज्ञानिक जरूर हूँ, है ना। तो गाने में तो आपके दर्शकों को ऐसा लगेगा कि क्या गा रहे हैं, फिर भी एक लाइन, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये गीत बहुत पसंद आएगा। और चलिए इस गाने को सुनते हैं और आप फील क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा बताएं, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब इसी विषय को लेकर काम कर रहे हैं कि संगीत का कोई भी गीत हो, किसी भी भाव का गीत हो, वो अगर आप सुनते हो तो आपके मन के अंदर, आपके विचारों में, आपके शरीर में कुछ बदलाव आता है। तो उस बदलाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही है, संगीत यानी म्यूज़िक एक थेरेपी है, इस पर काम हो रहा है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा दिनेश शर्मा जी से और मैं चाहूँगा कि जो कुछ प्रयोग आपने किए होंगे कुछ बच्चों पर, या जैसे आपने कहा कि चूहों पर आपने एक प्रयोग किया था, ऐसे कुछ बच्चों पर, स्टूडेंट पर कुछ प्रयोग किया हो तो वो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बताएँ। कुछ इस काम की जब शुरुआत की, जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिन एट होम, तो इस काम की शुरुआत कहाँ से हुई, चूँकि मैं जूलॉजी और साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी घर में खुद मेरे बच्चे के टाइम में, जो मेरा बच्चा जो होने वाला था, मेरा बेटा है, तो जब इरिटेशन होता है, नेचुरली मूवमेंट होते हैं, इरिटेशन होता है, तो उस समय मैं जगदीश सिंह की कुछ गज़लें कमरे में बजाता था, मुझे खुद पसंद है विशेषली जगदीश सिंह जी। तो उसके बाद मैं देखा उसके मूवमेंट स्लो हो जाते थे, पेन नेचुरली कम होने लगता था। वहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं इस चीज़ पर काम करूँ फ्यूचर, लेकिन उस समय मैं इतना नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और 2009 में UGC को प्रोजेक्ट अप्लाई किए, प्रोजेक्ट मेरी सेंक्शन हुई, तब मैंने सबसे पहले एनिमल पर, जो एक मॉडल जो हमारा होता है विज्ञान में होता है, पहले एनिमल पर काम करिए देन ह्यूमन पर शिफ्ट करिए, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एनिमल पर जा सकते हैं। तो हम चूहों पर काम किए तो बहुत अच्छे चेंजेज आए। कोलेस्ट्रॉल है, जैसे आप जानते हैं, हार्ट अटैक में बहुत दिक्कत करती है, कोलेस्ट्रॉल में हमने डाउन किया। इवन उनका जो ब्रीडिंग टाइम, ब्रीडिंग के बाद क्या होता है आपके, उनके जैसे ना एक टाइम में चूहे कई बच्चे देते हैं, 10-12 देते हैं, तो उनमें एक टाइम होता है कि एक टाइम में बहुत जल्दी भी दे सकते हैं और एक लॉन्ग ड्यूरेशन भी खींच सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमने कुछ खास ग्रुप को दिया साउंड, तो उसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो था वो कम हुआ, काफ़ी कम हुआ। उनके पैरामीटर, ब्लड पैरामीटर्स जो नॉर्मली ह्यूमन में नुकसान करते हैं, उनमें भी काफ़ी चेंज आए। इसके साथ एक और वाक्य मैं बताता हूँ। एक, चूँकि मैं नोएडा में जब पोस्टेज था, तो मैं संडे के दिन OPD भी चलाता था इसकी,
या संडे के दिन कोई भी आइए मेरे पास और मैं इसका ट्रीटमेंट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं था, चूँकि एक मतलब एक सोशल वर्क भी कह सकता हूँ, अभी भी कोई चार्ज नहीं है। कभी मेरी साइट पर जाएंगे लोग अप्लाई करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने किया तो एक लेडी आई अराउंड 85 ईयर्स की, उनके घर में 8 लोग डॉक्टर्स थे और उनको एक प्रॉब्लम थी अफेक्शिया की, उन्हें रात में ऐसा लगता था मुझे सांस नहीं आ रही है, जबकि ऐसा नहीं था, सारे टेस्ट पॉजिटिव थे, सब कुछ कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रात को उठ के बैठ जाती थी, उन्हें लगता था कि मुझे सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन मुझे बड़ी कम जा रही है, ऑक्सीजन मेरे शरीर में नहीं जा रही है। वो हमसे कॉन्टेक्ट किए, उन्होंने उनकी जो डॉटर इन लॉ थी मेरे पास लेके आई कॉलेज के अंदर, हमने उनको कुछ उनके बेस पे कुछ उनके जो नेचुरली इस एज में तो भजन वगैरह संगीत वगैरह पसंद करते हैं, वो जो उन्होंने उनमें से हम कुछ छांटे अपने टेक्निकली कि इनको क्या दिया जा सकता है उनकी समस्या को समझते हुए, और उनको हमने समझा है कि आप ऐसे करिए इसको। पहले हमने हर हफ्ते उनको बुलाया, लगभग 2 महीने तक नल अंतर लगा काफ़ी, और उसके बाद 7-8 महीने बाद जब वो आए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है तो उनकी वो पूरी समस्या दूर हो सकी, जिस घर में 8 लोग सर्जन हों वो सारे सबको उसका इलाज नहीं हो रहा, लेकिन वो 8 महीने वो अपने आप आराम से स्कूल एंड काम होने लगी थी। और जैसे मैं कहूँ घर में आप म्यूजिक थेरेपी कैसे करें, हम रोज़ गाने सुनते हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, तो म्यूजिक थेरेपी में अंतर क्या है, कैसे पकड़ें इसको, तो कुछ नहीं कहिए, आप हेडफोन सुनते हैं, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो हेडफोन की साउंड उतनी करिए, चूँकि आप टेक्निकली उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कि आप अगर चुटकी बजाएं अपने हाथ की, वो चुटकी की आवाज़ आपके कानों में आनी चाहिए उस साउंड के साथ, अगर चुटकी आवाज़ आ रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, वरना आपकी हाई पिच पर जा रहे हैं जो आपको डैमेज कर सकती है या आपको मतलब मेडिकल इफेक्ट नहीं देगी, बाकी आपको ठीक है एक कूल एंड काम इफेक्ट दे रही है तो उस पिच तक ले जाइए। दूसरे होता है कि नहीं मेरे पास हेडफोन नहीं है, मेरे घर में साउंड सिस्टम स्पीकर सिस्टम है तो कैसे हूँ, तो आप एक काम करिए कि घर में अगर 10 फीट का कमरा है तो 10 फीट के कमरे में एक साइड में आप रखिए अपने म्यूजिक सिस्टम को और दूसरी साइड पे दीवार पे आप बैठ जाइए और किसी अपने घर के आदमी से कहिए इसकी आवाज़ बढ़ाए और उसको आवाज़ जब तक बढ़ाने के जब तक आप उस दीवार पे सुनने में बिल्कुल आपको साफ साफ उसके शब्द सुनने में आ रहे हैं उस आवाज़ पे उसको रोक दीजिए। उसके बाद उस डिस्टेंस को 1/4 कर दिए यानी 2.5 फीट पे जाके आराम से बैठ जाइए आपकी साउंड पूरी तरह कंट्रोल्ड में है, आप उस 2.5 फीट पे जाके सुनिए और वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देगी। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि किस तरह से म्यूज़िक थेरेपी लेना है घर में आप ले सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका बताया। एक तो आप हेडफोन से सुनते हैं तो उसका तरीका क्या है, आप अगर घर में सुनते हैं तो उसका तरीका क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और इस बात को ध्यान में रखकर आप कुछ ऐसे म्यूज़िक थेरेपी को स्टार्ट कीजिए ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके, आप उसको एज ए मेडिसिन आप म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं। जो रोज़ चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं लेकिन उसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो ये सिस्टम से अगर आप करते हैं तो आपको उसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जाते जाते दिनेश सर से मैं कहूँगा कि भाई एक मैसेज हमारे सभी लिसनर्स को जरूर दें। देखिए कहा जाता है हम म्यूजिक इज अवर लाइफ, अगर हम म्यूजिक को एंजॉय करेंगे और म्यूजिक को म्यूजिक के रूप में लेंगे, और म्यूजिक सिर्फ संगीत या गाने फिल्मों में गज़लों में नहीं, देखिए म्यूजिक हमारे चारों तरफ है, आप उस म्यूजिक को महसूस करिए, उनमें शब्दों को न तलाशते उसकी फ्रीक्वेंसी को महसूस करने की कोशिश करिए, आपको नो डाउट बहुत अच्छे इफेक्ट आपके शरीर पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक सिर्फ आपको आज ही अच्छा दे रहा है या आपको बीमारी तभी लेना है, क्योंकि म्यूजिक के देखिए एक और अंतर समझाने की कोशिश करूँगा आपके लिसनर्स को कि डिजीज़ और डिसऑर्डर हम अंतर नहीं कर पाते नॉर्मली, म्यूजिक डिसऑर्डर के केस में आपको बहुत अच्छे काम करेंगे जितनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ है, डिजीज़ में नहीं, एक्सीडेंटल केस में म्यूजिक कुछ नहीं करने वाला, आपको पेन रिलीफ दे सकता है नहीं कर पाया। अंतर क्या है डिजीज और डिसऑर्डर में, जब कोई इन्वेडिंग एजेंट जैसे कोई मच्छर ने काट लिया, कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया आपकी बॉडी में, उसके अंदर से जो बॉडी को समस्या जनरेट होती है हम डिजीज़ कहते हैं, जहाँ म्यूजिक ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, हाइपरटेंशन आपके खाने की वजह से, कार्ड लिपिड बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं आपकी खुद की अंदर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो म्यूजिकल डिसऑर्डर के केस में बहुत अच्छा कारगर है, न कि डिजीज़ के केस में। हाँ, डिजीज़ केस में करता क्या है कि आप अगर लगातार एक उसे ऐसे ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज रोज़ कर रहे हैं, अगर ऐसे ढंग से आप टेक्निकल यूज़ करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के आपको हेल्दी बनाएगा, जब हेल्दी बॉडी होगी तो नेचुरल सी आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई बीमारी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया किस तरह से आपका जो है अंदर और बाहर की जो समस्याएं हैं वो म्यूज़िक के माध्यम से दूर हो सकता है, ये आपने बताया। थैंक यू सो मच दिनेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एंशियन विजडम सिविलाइजेशन पे बातें हो रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हर वक्ता से जब हम लोग बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की खूबसूरती हमें उनके शब्दों से नज़र आता है। तो आइए, इसी कड़ी में हम लोग आगे मिल रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्यानाथ जी, हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे। और इस आयोजन में पूरा उनका भी विशेष योगदान रहा है। और मैं देख रहा हूं कि दो दिन से वो बिल्कुल बिजी है पूरे प्रोग्राम में। और मेहमानों का स्वागत करना, उनके साथ उठना बैठना, उनको सही जो है प्लेटफॉर्म पे ले जाना, ये सारा काम उन्हीं के दायित्व में है। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था उनकी सेवा देखकर, तो हमने कहा कि चलिए हम उनसे भी बातें करेंगे और आप सभी से भी रूबरू कराएंगे। तो डॉक्टर दिव्यनाथ जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू आपका नाम रमेश जी, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। पहली बार किसी एफएम चैनल पे मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। और जैसा आपने बताया कि ये 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के साथ, जो मेरा कॉलेज है वहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, ये एनसीआर के ही एक इलाके में स्थित है। और कुमारी मायावती जी का एंसेस्ट्रल विलेज है वहाँ पर, इसीलिए उनके नाम से ये कॉलेज है। और ये यूपी गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, इट इज़ फुली फंडेड बाय द यूपी गवर्नमेंट। और वहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीवॉक, इन सब तरह के कोर्सेज चलाते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम साल में एक बार नेशनल सेमिनार तो हमेशा हर साल करते ही आए थे, इस बार थोड़ी इच्छा थी इंटरनेशनल करने की, क्योंकि एक डेडिकेटेड स्टाफ है वहाँ पर और काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो वो है कॉन्फ्रेंसेस, उसमें हमारे जो टीचर्स हैं और मैं भी जा चुकी हूँ। तो एक बार ये इच्छा थी कि दूसरे देशों में हम लोग जाकर पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, तो एक बार क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पर और कंट्रीज से लोगों को आने का मौका दें और हम उनको होस्ट करें। लेकिन थोड़ी सी एक हम लोगों के पास, चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियाँ होती हैं, जिसको कि हम चाहकर भी मीट नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको पता है फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह बहुत मिनिमम होता है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देना चाहते हैं अपने गेस्ट को, उसकी सुविधाएं हमारे पास कम होती हैं। इसलिए हमारा जो MOU साइन हुआ था पिछले साल गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय के साथ, तो हमने सोचा कि उस MOU को यूज़ करते हुए हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल्ड करें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ यहाँ के जो VC सर हैं, प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, कि उन्होंने पूरा इनकरेजमेंट दिया इस चीज़ के लिए और हम लोगों को हौसला दिया कि हम उनके साथ मिलकर ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कर पाएँ। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि 22 इयर्स से हमारे कॉलेज को इस्टेब्लिश हुए हो रहा है। और ये मेरे निर्देशन में कॉलेज में, मतलब पहली बार है पिछले 22 वर्षों में कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर पा रहे हैं इस कोलैबोरेशन के साथ। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का तो इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मतलब इसमें बहुत आसानी से ये होल्ड किया जा सका। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 500 डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने आकर इन 2 दिनों में हिस्सा लिया। 3rd डे तो सिर्फ टूर का है, जिसमें आगरा और दिल्ली के टूर्स हमने रखे हैं अपने इंटरनेशनल डेलीगेट्स के लिए, कि अगर वो जाके घूमना चाहें तो घूम लें। लेकिन जो पेपर्स का प्रेजेंटेशन है और वो सब चीज़ें 2 दिनों के लिए ही थी, जिसका कि आज 2nd डे है। और बहुत से डिग्निटरीज अलग अलग फील्ड से आकर के उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार दिए। और इस कॉन्फ्रेंस में इस टॉपिक को लेकर करने का जो एक विचार आया था, वो इसीलिए कि जैसे भारत का एक बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, सिविलाइजेशन हमारा बहुत पुराना रहा है, उसके बारे में दुनिया के और लोगों को पता चले, और जो दूसरे देशों का सिविलाइजेशन है, उनका जो एंशंट विजडम है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, हम उनको मौका दें कि वो यहाँ आकर उन चीज़ों को शेयर करें।
और उस एंशंट विजडम को हम आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकें, ला सकें, जिससे कि अपने अतीत के ऊपर जो गौरव हम महसूस करते हैं वो उसका मतलब उनको एहसास दिला सकें, और साथ में उस एंशंट विजडम को यूज़ करके हम आज की अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि चाहे देश अलग अलग हो लेकिन प्रॉब्लम्स जो आज हमारा वर्ल्ड फेस कर रहा है वो सब रिलेटेड हैं, और एक कंट्री नहीं हर कंट्री उसको फेस कर रही होती है, तो सभी के एंशंट विजडम को यूज़ करते हुए अगर हम आज के समय में कुछ अपनी नई पीढ़ी को दे पाते हैं या आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो यही मकसद था इस कॉन्फ्रेंस को करने का, और बहुत अच्छा लगा दो दिनों तक इसको करवाने में यहाँ पर आयोजित, और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने दोनों दिनों तक जो है इसकी कवरेज अपने रेडियो स्टेशन पर देने की अच्छी बात कही है। हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं आप, सो थैंक यू वेरी मच टू रेडियो मधुबन। थैंक यू दिव्यनाथ जी, हम मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने हमारे साथ शेयर किया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी लिसनर्स को भी एक नई बात सुनने को मिल रहा है, और पूरे विश्व में एक बहुत ही एक्सचेंज वाली जो बात है, हम भारत की एंशियंट परंपरा को बताएं और वो लोग अपने दूसरे देश से जो लोग आएँ वो अपनी परम्परा को बताएँ, तो एक लेन देन होगा यहाँ पर। 2020 वाली जो बात है विन विन सिचुएशन है, जो लोग आ रहे हैं वो सीख रहे हैं और जो लोग कुछ बता रहे हैं हम उनसे भी कुछ सीख रहे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर जन है जिसको आप कर रहे हैं। और इसके साथ में जैसे आप गर्ल्स कॉलेज चला रहे हैं और वहाँ पर भी लड़कियों को खास करके पढ़ाने की, उनको हायर एजुकेशन देने का पूरा आपका काम चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस तरफ में अभी लोगों की क्या मानसिकता है, क्या पहले जैसे ही है लोग लड़कियों को भेजते हैं नहीं भेजते कॉलेज में, ये थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी देखिए, मेरा कॉलेज जैसे मैंने बताया कि बादलपुर में स्थित है, जो कि एक गांव है एनसीआर क्षेत्र का, और जो स्टूडेंट्स हैं हमारी वो ज़्यादातर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी और सोशली बैकवर्ड, दोनों तरीके से बैकवर्ड क्लासेस से आसपास के गाँव से आती हैं। और मतलब पिछले कुछ सालों में ये तो बदलाव आया है कि जब हम पेरेंट टीचर्स मीट वगैरह करते हैं तो पेरेंट्स इंटरेस्ट लेकर अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने की ओर सोचने लगे हैं, लेकिन जो एक बदलाव नहीं आया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग लड़कियों को हायर एजुकेशन देने के साथ साथ उनको करियर की तरफ भी ओरिएंट करना चाहते हैं, उस बारे में अभी भी गाँव में यही सोच है कि मतलब करियर तो जो है वो शादी के बाद अगर लड़कियों को उनके इन लॉज अलाउ करते हैं तो हाँ ससुराल वाले तभी वो कर पाएँ तो ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा सा हिचकते हैं इस बात के ऊपर कि लड़कियों को अगर करियर बनाने दिया तो उन्हें दूर जाना पड़ेगा और फिर उनकी लायक लड़का मिलेगा कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग करियर काउंसलिंग सेल चलाते हैं और उसमें लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है कंपनीज़ में, और पेरेंट्स के तरफ से ऑपोजिशन आता है कि नहीं आप नहीं जाकर काम करोगे, तो उस सोच को भी बदलने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, और हम ऐसा समझते हैं कि थोड़ा समय शायद अवश्य लग जाए लेकिन ये बदलाव भी आएगा कुछ सालों में, क्योंकि उनको जब ये समझ में आएगा कि लड़कियों का फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत सी सामाजिक बुराइयों को भी दूर करता है तो शायद वो धीरे धीरे अपनी सोच को बदल पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान और गुजरात के लोग इस वक्त जो लाइव सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को और जो लोग बाद में सुन रहे हैं उन सभी को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं अभी भी गांव साइड में, जहां पर इंटीरियर विलेजेस हैं भारत देश में, वहां पर लड़कियों को आज तो इतना जागरूकता आ गया कि पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इसके साथ में वो अपना करियर बना सके इसलिए सभी राजी नहीं होते, तो इस पर भी काम चल रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप इस पर काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में गाना सुनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपका पसंदीदा गाना जो आप गुनगुनाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, वो गाना हमें बताइए। ऐसे तो एकदम से याद नहीं आ रहा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
चलिए, बहुत ही प्यारा सा किशोरदा का गीत आपने याद कराया आनंद फिल्म का। तो मुझे लगता है कि ये गाना हम सभी को मोटिवेट करता है, और हर समय जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठहराव है ज़िंदगी में, तो इस गाने को ज़रूर सुनिए, आपको बहुत खुशी मिलेगा। तो आइए आपकी खुशी बढ़ाते हैं और इसी गाने को सुनते हैं, और ये गाना हमारी ओर से डॉक्टर दिव्यनाथ जी के लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, डॉक्टर दिव्यनाथ जी का पसंदीदा गीत। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि इस तरह के गीत सुनने से भी हमें जो है एक खुशी मिलती है। जब भी आप मायूस हो जा, तब ऐसे गीत सुनिए जिससे आपका मूड जो है फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए फिर से मैं डॉक्टर दिव्यनाथ जी से जुड़ना चाहूँगा, और वो गर्ल्स बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और एजुकेशन फील्ड में है, और मैं चाहूँगा कि कुछ एजुकेशन फील्ड में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो कुछ एक अपना अपलिफ्टमेंट और बच्चों के साथ जुड़कर उनको, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत आपने किया है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहा होगा, कहीं ना कहीं लोगों की कुछ बातें सुननी भी पड़ी होगी, तो ऐसा कुछ अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर सुनाइए। चलिए, मैं इस कॉलेज में, जैसा मैंने बताया कि कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में मैं भी प्रिंसिपल हूँ, तो एक मतलब शुरुआत की बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इस कॉलेज में मैं लगभग 8 साल पहले एज अ टीचर रह चुकी हूँ, और मैंने लड़कियों की को पढ़ाने के साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सुना और समझा है। और आज जब मैं पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर हूँ, तो मुझे एक उनके साथ जुड़ाव सा महसूस होता है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया भी है, और साथ में अब एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद मैं इस पोजीशन में हूँ कि जो उनकी प्रॉब्लम्स एज अ टीचर के रूप में रहते हुए मैंने सुनी थी, समझी थी, उसको दूर करने के लिए मैं कुछ प्रयास कर सकती हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले वाले अपने पॉइंट में बताया था कि यहाँ पे जो आसपास के गांव से लोग आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, उनके पेरेंट्स की सोच अभी भी यही है कि लड़कियों को वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने भेज रहे हैं, तो डिग्री ही लेना काफ़ी है और इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इस कोशिश में लगी हूँ कि इस सोच को बदलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लड़कियों को एजुकेट करते हैं तो एक पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं, ये बात तो सबको पता है, लेकिन लड़कियां अगर अपने पैरों पे खड़ी हों तो जितनी जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, या फिर उनके ससुराल वालों के तरफ से जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन चीज़ों से हम उनको दूर कर सकते हैं या उससे लड़ने के लिए उन्हें हिम्मत दे सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो एक आर्थिक कारण है वो बहुत बड़ा होता है कि लड़कियाँ डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पर, या फिर अपने बेटे पर, या अपने इन-लॉज पर। तो लड़कियाँ अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कोई ना कोई रोजगार अपना ले, तो शायद सामाजिक इन बुराइयों को हम दूर करने में बहुत कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर दिव्यनाथ जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर लड़कियाँ आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर कहीं ना कहीं किसी नौकरी या करियर के रिलेशन में वो आगे बढ़े। करियर अगर उनका अच्छा बन जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और अपना कार्य खुद कर सकती हैं, और समाज के लिए कुछ दे भी सकती हैं। तो ये काम जो है अभी आप करने वाले हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।